जीरो पॉइंट वन मीटर देन तो हम लोग को बताना है था, चार्ज चार्ज विद इन द क्यूब क्या होगा तो अगर यहाँ से देखते हैं तो चार्ज इन द क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको घोंसला का यूज़ करेंगे क्योंकि इसको ये जो क्यूब है लेट लेट क्यूब ए लेट क्यूब ए जे गौसन सर्फेस गौसियन सर्फेस देन क्या होगा नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब जो होगा नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब नेट फ्लक्स थ्रू जो क्यूब होगा इक्वल टू फाइव इक्वल टू क्यूब इन क्लोज इन साइड एफ्साल नोट के बराबर होगा सो चार्ज विद इन द क्यूब हम लोग आ जाएगा क्यू इन का वैल्यू तो क्यूब इन क्लोज इन साइड दिस क्यूब का वैल्यू कितना होगा फाइव इन टू नोट तो हम लोग का फाइव का वैल्यू निकालना तो अगर यहाँ देखें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ओनली इन द एक्स डायरेक्शन में मीन इधर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड बाई एंड जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो अगर देखें तो तो फाई का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू जो होता है थ्रू ए सर्फेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है फाई इक्वल टू जो होता है ई डॉट डी एस का टोटल सम होता है थ्रू ऑल थ्रू आउट दिस सर्फेस अगर कोई भी सर्फेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो तो ई डॉट डी एस का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ई का वैल्यू किधर है ओनली इन आई डायरेक्शन में मीन्स एलोंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है ई का वैल्यू एंड एंड अब यहाँ पे देखें तो जो ये जो क्यूब है एंड बाई एंड जे डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्यूब का ये जो फेस है इसको हम लोग लेफ्ट फेस लेट कर लेते हैं इसको हम लोग राइट फेस लेफ्ट कर लेते हैं एंड तो हम लोग देखें तो एरिया वेक्टर जो होगा डी एस वेक्टर ऑल लेफ्ट फेस एंड राइट फेस के अलावा जो भी एरिया वेक्टर जो भी चार फेसेस एक्स्ट्रा जो है लेफ्ट फेस एंड राइट फेस के अलावा वो सारे का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सो ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा थ्रू ऑल दिस फोर फोर्सेस ऑल दिस फोर फेसेस अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट फेस सो हम हम लोग का जो नेट फ्लक्स आएगा ओनली ड्यू टू दिस फेस आएगा एंड दिस फेस आएगा लेफ्ट फेस एंड राइट फेस तो नेट नेटफ्लक्स थ्रू क्यूब थ्रू क्यूब जो होगा इक्वल टू होगा फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस ऑफ क्यूब लेफ्ट फेस ऑफ क्यूब प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस ऑफ क्यूब राइट फेस ऑफ क्यूब ओके तो हम लोग लेफ्ट फेस ऑफ क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा अगर यहां लेफ्ट फेस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर है एंड जो एरिया वेक्टर है जो एरिया वेक्टर है अपना इस डायरेक्शन में तो जो नेट फ्लक्स आएगा यहाँ निगेटिव आएगा तो फाइ एल का वैल्यू क्या आएगा फाइ एल का जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस डॉट एरिया वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट लेफ्ट फेस का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे एक कितना डिस्टेंस पे तो यहाँ पे ई एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू एल टू द पावर हाफ सॉरी ए टू द पावर हाफ मीन्स अल्फा इंटू अंडर तो रूट ए तो अल्फ़ा रूट ए आएगा तो ये कितना हो गया एल इक्वल टू माइनस अल्फा रूट ए एंड एरिया वेक्टर कितना हो गया ए स्क्वायर तो ये हो गया ए स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए टू द पावर टू प्लस हाफ ए टू पावर फाइव बाई टू हो जाएगा इतना हो जाएगा फाइल का वैल्यू ए फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दर लेफ्ट सर्फिस का वैल्यू इतना हो गया अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द राइट सर्फिस का वैल्यू कितना आएगा एंड राइट सर्फिस पे देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है राइट right डायरेक्शन में एलोंग एक्स है एंड जो एरिया वैक्टर है एरिया वैक्टर भी उसी डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट राइट सर्फिस क्या होगा ई आर इक्वल टू यहाँ इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे टू ए पुट कर देंगे ए टू ए डिस्टेंस पे है तो ये कितना हो गया अल्फा इंटू टू ए पावर वन बाई टू तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ट्राइड राइट कितना आ जाएगा ई आर डॉट ए वैक्टर तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा ई e आर का वैल्यू कितना है हम लोग निकालें अल्फा इंटू टू ए टू दावर हाफ डॉट एरिया वैक्टर ए स्क्वायर हो गया तो ए कितना आ जाएगा अल्फा इंटू अंडर टू एंड ए टू दावर फाइव बाई टू इतना हो गया तो नेट फ्लक्स थ्रू क्या होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन लेफ्ट सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन राइट सरफेस इतना हो गया तो फाइव इक्वल टू हो गया ना कितना यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू ए टू द पावर फाइव बाई टू इंटू अंडर उइनस वन तो फाइव का वैल्यू कितना क्यू इन अपॉन अपन एफ साल नॉट तो क्यू इन अपॉन अप एफ साल नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू ए टू दावर फाइव बाई टू इन अंडर टू माइनस वन कितना हो गया तो यहाँ से हम लोग क्यू इन का वैल्यू निकाल लेंगे क्यू इनक्लोज क्लोज इन साइड क्यू इफ साइलेंट नोट अल्फा ए टू दी पावर फाइव बाई टू हंड्रेड वोट टू माइनस वन इतना हो गया तो, in तो ए कितना आ गया इफ साइलेंट नोट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो इफ साइलेंट नोट का वैल्यू कितना हो गया एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ कितना अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ एट हंड्रेड न्यूट पर मीटर स्क्वायर एंड ए इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मीटर तो ए हो गया एट हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अपना नाइन पॉइंट टू सेवन इंटू टेन पर माइनस ट्वेल्व कुलम तो क्यू इनक्लोज इन साइड क्यू इनक्लोड इन साइड क्यू का वैल्यू इतना गया? Into 10 power minus 12 तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा अपना आंसर ये यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो अपना आंसर हो गया ये ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो गया 9.27 10 .1 -12 कूलम क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर